जाऊंगी और एक सवाल जानना चाहती हूं, पंजाब दिल्ली आप कहते थे पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, पंजाब में क्या हो रहा है? खुलेआम हत्या हो गई। आप कल के इंसिडेंट की शायद वो बता रहे हैं कि दो लोगों के आपस की दुश्मनी थी, लेकिन नहीं, मैं कोई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। पहली चीज तो जिस स्थिति में हम लोगों ने पंजाब को लिया था उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सीरियस था। जैसे ही हम लोगों ने पंजाब को संभाला था, आपने देखा होगा कि महीना दो महीना कई सारे इंसिडेंट्स हुए थे। सिद्धू मूसेवाला कांड हुआ था, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पटियाला के अंदर एक कांड हुआ था, ये तीन चार इंसिडेंट्स हुए थे। पिछले सात आठ महीने से स्थिति काफी कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर पे काबू पाया जा रहा है, पा लिया गया है, ड्रग्स को भी कंट्रोल करने के लिए पूरे एफर्ट्स चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। कल का जो इंसिडेंट है, जो मैंने डीजीपी का स्टेटमेंट सुना था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, कि ये दो लोगों की आपसी लड़ाई थी। जिस बंदे को इसमें सरकार मतलब कुछ भी अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो ऑब्वियसली सरकार जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, सरकार की जो भी, लेकिन दो लोगों की आपसी पर्सनल रंजिश थी जिसकी वजह से ये हुआ है और पुलिस इस पे सारा कार्रवाई कर रही है। अच्छा, एक लास्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मैं आपको करेक्शन करवाना चाहती हूँ कि आज तक ने कभी भी आपको ये नहीं कहा था ओपिनियन पोल में कि 30 सीट आ रही है, हमेशा यही कहा था कि आप जीत रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी जीत रही है। कब? जो 67 सर्वे की आप बात कर कितनी दे रहे थे आप 67 जब आई थी हमारी, शर्माइए मत, बता दीजिए। जब आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए ना कितनी दे रहे थे। अब आप शर्मा गई। चलिए आप बताइए, क्योंकि आपने भविष्यवाणी वैसे बहुत सटीक की थी लास्ट टाइम, जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें लिख के दिया था, श्वेता अगर तुम्हें याद है पंजाब के पहले, वो बिल्कुल पांचों के पांचों पॉइंट बिल्कुल सही थे। हमने फैसला किया था कि हर जगह लिखवा लें, हर जगह लिखवाएंगे, क्योंकि हमारा मेमोरेबिलिया हो गया है ये अभी तो। पर बताइए सती जी, लिखेंगे क्या? लिख के बताएंगे। चलिए, ये हम 8 दिसंबर तक संभाल के रखेंगे। रोज चलाइएगा इसको। किसी भी तरह चल सकता है अरविंद जी? बिल्कुल चला है। तो चलिए, 182 सीट्स में से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कितनी सीट साइन ऑफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को? माइक तो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। 5 से कम? बस कांग्रेस के बारे में लिखा आपने? धीरे धीरे अभी और भी इंटरव्यू कीजिएगा, आज सारा बता दिया, आप इंटरव्यू नहीं करेंगे? आप कह रहे कॉम्पिटिशन, अगले इंटरव्यू में अगली भविष्यवाणी। तो 5 से कम सीटें आएंगी तो मतलब आम आदमी पार्टी नंबर 2 पोजीशन पे है आपके हिसाब से? वो तो हो ही गए हैं, तो लिख दीजिए। नहीं, नंबर 2 तो है ही, नंबर 1 आएंगे हम लोग।